हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा वीडियो है गॉसस थ्योरम या गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हम लोग गॉस लॉ को प्रूफ करेंगे और कूलम्स लॉ को, फिर जब गॉस लॉ हम लोग जान जाएंगे उसके बारे में, आफ्टर दैट वी विल प्रूफ कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉसस थ्योरम। तो गॉसस थ्योरम को जानने से पहले यू मस्ट हैव टू नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाला है, जिससे इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उस चीज को आप अच्छी तरह पहले जान लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने के बाद आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो व्हिच इज नोन एज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये याद रखना चाहिए कि गॉस लॉ हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए होता है। अगर वो सरफेस कहीं से लीक हो जाए, कट जाए, टूट जाए, उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये ओपन सरफेस के लिए नहीं है, हमेशा ये क्लोज सरफेस के लिए ही होता है। और एक्चुअली गॉस लॉ जो लाया गया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने के लिए किसी भी यूनिफॉर्म क्लोज सरफेस में कैसे निकाला जाए, मतलब आसान करने के लिए इस चीज थ्योरम को लिया गया है। तो देखिये, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, गॉसस थ्योरम किसी भी क्लोज सर्फेस के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा एक क्लोज सर्फेस है, स्फेरिकल है, मान लीजिए स्फेरिकल, सर्कल मत कंसीडर कर लीजिए, हमेशा क्लोज सरफेस लेना। इस पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, यहां पर Q7, Q8 ऐसा कुछ। तो हमेशा देखिएगा, जैसे हम लोग गॉस लॉ निकालेंगे तो बाहर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी ये चार्जेस के लिए बेकार हो गया है। सिर्फ इसके अंदर के चार्जेस को ही हम लोग कंसीडर करेंगे, टोटल चार्ज को। फाइन, तो गॉसस ने क्या कहा, सुनिए ध्यान से। फॉर अ क्लोज सर्फेस, है ना, टोटल फ्लक्स पासिस थ्रू दैट सर्फेस, टोटल फ्लक्स लिंक विथ दैट सर्फेस इज 1/ε0 टाइम्स दैट ऑफ टोटल चार्ज इन साइड इट। थोड़ा सा रहेगा, टेंशन मत ले, देखिए मैं दिखाता हूं फिर से। हमने थ्री सर्फेसेस को कंसीडर किया, ध्यान से प्लीज देखिएगा, बहुत आसान है, पढ़ने बहुत मजा आने वाला है। देखिएगा S1, S2, S3, थ्री सर्फेसेस, क्लोज सर्फेसेस लाइक स्फीयर। तो इसके अंदर S1 के अंदर देखिए, तो इसके बाहर से कोई मतलब नहीं है, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, अंदर का चार्ज क्या देखिए, तो Q1 + Q2। फॉर सर्फेस S1 जो हो जाएगा फ्लक्स, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/ε0 टाइम, किसके, Q1 + Q2। ऐसे लिख सकते हैं Q1 + Q2 अपॉन में ε0, ये फ्लक्स हो गया पहले वाले सरफेस के लिए। सिंपली दूसरे सरफेस के लिए देखिए, तो कोई भी सरफेस हो, सरफेस के शेप एंड साइज से मतलब नहीं है, बट दैट शुड बी और दैट मस्ट बी क्लोज्ड। इट डज नॉट मीन दैट्स अ स्फीयर और अ क्यूब और क्यूबोइड और अ सिलेंडर, वॉट एवर इट इज, बट इट शुड बी क्लोज्ड। फाइन, नाउ सी हियर, फॉर दिस सरफेस S2, व्हाट यू सी, यू जस्ट सी, इट हैज थ्री चार्जेस इनसाइड दिस स्फीयर, दैट्स Q1, Q2, Q3 एंड Q4। देन व्हाट विल बी फ्लक्स फॉर सेकंड सरफेस, इट विल बी द टोटल सम ऑफ द चार्जेस व्हिच इज इनसाइड दिस सरफेस S2, एंड नाउ इट इज Q1, Q2, Q3 एंड Q6, Q1 + Q2 + Q3 + Q6 upon ε0. Similarly, you can find the flux for surface S3. ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। कि चलो ये हो गया, अब इसे हम प्रूफ करते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो देखते हैं। याद है हम लोगों ने फ्लक्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियो, इस वीडियो का तो कोई मतलब नहीं रह जाता, पहले आपको वहां पर फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो इस वीडियो को पहले देखें, अच्छी तरह देखें, अच्छी तरह समझ के इस वीडियो पर आए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा, पहले बता रहा हूं, फिर देखते हैं। यहां पर क्या है, हमारे पास देखिएगा कि
फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज. टोटल चार्ज को मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, ठीक है. तो हम इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स इन साइड अ क्लोज सरफेस इज द टोटल नंबर 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन साइड दैट सरफेस. फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस इज द 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इन साइड दैट सरफेस. या तो हम इसको इजी से बोल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इन साइड दैट सरफेस. डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे. आप नोट्स में जाके इसको अच्छे से लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. अब हम इसके प्रूफ के बारे में जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. तो गॉस लॉ के प्रूफ को देखते हैं. एक चार्ज लिया हमने, इसे हमने एक स्फेयर के सेंटर पर रख दिया, और ऐसा लग रहा है जो मैंने बनाया है आप सही बनाओगे, आपके पास कंपास होगा उसका यूज कीजिएगा, बना लीजिए. इसे सेंटर पे हम लोगों ने चार्ज रखा है क्यू. अब ये क्या होगा देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इससे आउटसाइड निकलेगी, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे दिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे इस तरफ, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई निकल रही है, ये डिस्टेंस हमारा आर है. इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बता सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. डायरेक्ट जाएगा क्या नॉर्मल टू द सरफेस, कोई प्रॉब्लम. अब हमने क्या किया, चूंकि पूरा क्लोज सरफेस है, यहां पर एक छोटा सा हम एरिया कंसीडर कर सकते हैं. ये एरिया लिया डीएस, और एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था. जैसे ये सरफेस है, इस पर नॉर्मल, जिस जहां भी जाइएगा तो सरफेस पर हमेशा नॉर्मली ही आएगा वो चीज. तो यहां पर जो नॉर्मल लेंगे हमारा, नॉर्मल का डायरेक्शन ये हो गया, ये एरिया का डायरेक्शन होगा. समझ में आया, दोनों क्या हो गए दूसरे के पैरेलल है, एरिया हमारा डीएस हो गया है. तो अब देखिएगा, तो गॉस ने कहा, हम लोग जानते हैं ई डॉट डीएस फ्लक्स इसके बराबर होता है ई डॉट डीएस. ई की वैल्यू कितनी होती है हमारे, देखिए वहां पर 1/4πε0 के को हम लिख सकते हैं क्यू बाय आर स्क्वायर एरिया. अब ये बताइए, छोटा सा एरिया लिया था ना, अगर हमें छोटा सरफेस लिए निकाला, अगर पूरे के लिए निकालेंगे, हमने जी फाइव निकाला, जब पूरे के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेट जैसे क्या फाइव मिल गया हमें, जैसे फाइव करेंगे क्या हो जाएगा इस कंडीशन में 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर टोटल सर्फेस. क्लोज सर्फेस का एरिया क्या है, स्क्वायर है ना, 4πr2 यह है एरिया आ गया हमारा टोटल. 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल. यानी फ्लक्स जो था वो किसके बराबर हो गया, क्यू बाय क्या बता दीजिए एप्सिलॉन. पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लिया लोगों ने, फ्लक्स फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, आफ्टर दैट ई की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, यहां से यहां पर पुट कर दिया, फ्लक्स निकाल करके टोटल एरिया हमने स्मॉल के लिए निकाला था, एक लिए निकाला ना. अब टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां तक, जीरो से टोटल इसके एरिया तक. तो टोटल एरिया से जब हमने रख दिया, सॉल्व किया, क्यू बाय एप्सिलॉन हो गया, ये हो गया हमारा आ गया फाइ इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. यही तो कहता था गॉस लॉ कि टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज. ये था हमारा गॉस लॉ. तो गॉस लॉ का एप्लीकेशन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है कोई ना कोई एप्लीकेशन, इवन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फाइन, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. लेकिन देखिए, हम लोगों ने जो ये चीज लिया, ये जो फॉर्मूला लिया, याद है ये फॉर्मूला कहां से आया था, ये फॉर्मूला आया था कूलम्स लॉ से. ये जो फॉर्मूला आया था, ये आया था कूलम्स लॉ के हेल्प से. यदि कूलम्स लॉ का यूज किया हमने, क्या प्रूफ कर लिया, गॉस लॉ. लेकिन दूसरा, इसका दूसरा साइड भी हो सकता है कि हमें कूलम्स लॉ प्रूफ करना पड़ जाए, किसके हेल्प से, गॉस लॉ के हेल्प से. हम लोग उसी को देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है, ध्यान रखिएगा कि डिराइव कूलम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ गॉस थ्योरम. तो अब देखिए क्या होता है, हम लोग कूलम्स लॉ को प्रूफ करने वाले हैं. चलिए, कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए फिगर हमारा सेम रहेगा, ठीक है. तो फ्रॉम गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं, अब गॉस लॉ का यूज करना है, हम लोगों ने फ्लक्स का यूज कर लिया, इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ यूज नहीं करना है हमें, यूज करना है अब क्या, गॉस लॉ यूज करना है. तो गॉस लॉ हम लोग क्या जानते हैं, फाइ इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन. चार्ज यहां पर क्यू इधर है, अब देखिए तो
इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना पड़ेगा डी एस क्यू बाई फिगर हमारा सेम ही है, सारा कंसिडरेशन ऐसा ही है। ई इक्वल टू क्या हो गया, टोटल एरिया हमने कितना लिया था, देखा था 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई इक्वल टू क्या हो गया, देखिए तो इसको इधर ले आते हैं, क्यू बाय 4πε0 आर स्क्वायर आ गया। फिर पहले यहां से फिर से हम लोग ये लेकर आए, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इससे फिर ये लेकर के आ रहे हैं, हमें जो कूलम्स लॉ प्रूफ करना है तो फोर्स के लिए, कूलम्स ने फोर्स लक्ष्य ले दिया था। तो अब हम क्या करते हैं, लेट एक चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम लोग पी पर पुट कर देते हैं, तो फोर्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टेस्ट चार्ज क्यू इंटू ई, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो क्यू नॉट और ई की वैल्यू क्या है, क्यू 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि क्यू क्यू नॉट 4πε0 आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, ये तो था कूलम्स लॉ। यानी कि गॉस लॉ के हेल्प से हम लोगों ने कूलम्स लॉ को प्रूफ कर दिया, ठीक है। जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये और आता है, और किसी न किसी कभी ना कभी आपको एग्जाम में ये मिल ही जाएगा ये चीज प्रूफ गॉस लॉ का, तो और उसको उसके बेसिस पर उसका एप्लीकेशन। तो हम लोग एप्लीकेशन को इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में देखेंगे, इसके 3 एप्लीकेशन है वो हम लोग इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही।